ABPS News। नमस्कार, एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हैं रश्मि के साथ। आज हमारे इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अभय कुमार जी 250 विधानसभा रानीगंज से। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कुछ गांव से समस्याओं के बारे में। गांव में हो रही समस्याएं क्या है और क्या अभी तक क्या सुधार आ पाया है, ये आज हम इनसे जानकारी लेंगे। इतना ही नहीं, अभय कुमार जी पिछले 2003 और पिछले कई वर्षों से ये बीजेपी को खास सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधान जन पंचायत और अब ये विधायक रूप में हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए आज हम इनसे मिलते हैं गांव की समस्याओं को लेकर। तो श्री अभय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और गाँव की समस्या जो है, जो आप ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, गाँव की समस्या भी बहुत है। अभी गांव में नाली की समस्या है, गांव में अभी शौचालय की समस्या है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर घर में शौचालय बने, इज्जत घर बने। लेकिन अभी गांव में कुछ भ्रष्टाचार के कारण कुछ जो है अभी गांव के लोग बनवाना नहीं चाहते हैं, गांव के जनता नहीं बनवाना चाहे, इसके लिए बहुत समस्याएँ अभी गाँव में हैं। अभी गाँव में बिजली की विषय, लेकिन हमारी सरकार, जो भारत सरकार है, हमारे योगी जी की सरकार, दोनों गाँव में बिजली पहुँचाना चाहती है। इसलिए शिक्षा के लिए भी अब तो मॉडल स्कूल हम लोग दे रहे हैं शिक्षा के लिए भी गांव में, जो प्राइमरी थे उसको हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। इसलिए गांव की समस्या बहुत है, लेकिन धीमे धीमे हमारी जब से सरकार अब आई है, योगी जी की सरकार, इसमें गांव की समस्या हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि मैं गांव से ही आया हूँ। इसलिए गाँव की समस्या हम लोग निगाह में है और जितना भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने बहुत मुख्यमंत्री समग्र गांव योजना किया, उसमें पहले हम लोगों ने लिया है कि जहां हमारे सेना के लोग शहीद हुए हैं उस गांव को टिकअप किया है, जहां हमारे बहुत वो जात के हैं, बहुत निम्न जात के, मतलब कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं हुआ उनको, उस गांव को मुशाहरा जात कहते हैं, उस गांव को भी लिया गया है टिकअप। अब गांव की समस्या हम लोग देख रहे हैं, उसकी समस्या हम लोग बहुत जल्दी इसको टिकअप करें। गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो वहाँ का प्रधान और सेक्रेटरी दोनों लोग मिल बैठकर जो गांव की समस्या दूर नहीं कर पा रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार निगाह लगाए है और पंचायती राज एक्ट में हमारे मंत्री जो इसके भूपेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, वो चाहते हैं गांव का समुचित विकास हो। अभी हम लोग अंत्येष्टि दे रहे हैं, अभी हम लोग जो है उसके लिए जो है पंचायत भवन जहाँ है उसके लिए भी काम किया जा रहा है, 14 वित्त में पैसा आ ही रहा है। अब इंडिया मार्का 14 वित्त से बन जाएगा, पहले रिबोर जो है प्रधान खाते में तो प्रधान से बन जाए। इसलिए गांव के बारे में हमारे ग्राम विकास मंत्री माननीय महेंद्र वो भी ध्यान दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास में जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनको ही प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, इसलिए इसकी भी सरकार हमारी काम कर रही है। इसलिए गांव की समस्या भी मैं नहीं कहता हूं कि खत्म हो गई, लेकिन गांव की समस्या भी बहुत है, लेकिन हम लोग सुधार में हैं और सुधार रहे हैं। जी हाँ विधायक जी, आप अगर मैं अगर बात करूं कि पिछली सरकार से, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, गांव की जो समस्या है वो पिछली सरकार में क्या थी और अब तक की आपकी जो सरकार है, आपने अभी तक क्या क्या किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली सरकार में तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसकी आप बात ही न करिए। एक साल का हमारा होने वाला है, 19 तारीख हमारे मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष हो जाएगा हमारी सरकार। मैंने कहा कि पिछली सरकार में शौचालय का पैसा आया वो खर्च नहीं हुआ, दूसरे काम में खर्च हो गया। हमारी भारत सरकार ने बहुत पैसा दिया, अब वो खर्च हो रहा है। और गांव को जोड़ने का सड़क हम का प्रधानमंत्री सड़क योजना, अब हम लोग गांव को जोड़ने के पर पूरा जोड़ रहे हैं कि हर गांव सड़क से जुड़ जाए, ये काम अब हो रहे हैं। गांव में प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब आदमी आवास नहीं पाता था, अब हो रहा है। नाली भी मर रही है और गांव में जो है, जो जैसे मैंने बताया, अभी शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल, प्राइमरी के बच्चे हमारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ अब होने लगा। पहले ये चीज़ नहीं था, पूरा भ्रष्टाचार था, प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर खा लेते थे और प्रधान, अब सब लोग उसमें संलिप्त थे। लेकिन अब हम लोग ने बहुत ध्यान दिया है, अब स्थितियाँ सुधर रही गाँव में। जी हाँ, जैसे आपने बात करी कि मॉडल स्कूल्स की, तो अगर हमारे गांव में मॉडल स्कूल्स होंगे तो वहां पे टीचर्स यानी कि शिक्षक भी वैसे ही चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वैसी ही शिक्षा हो और वैसे ही शिक्षक मिले? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, इसके लिए हमारी सरकार शिक्षा तो भर्ती करेगी, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग देकर उनको मॉडल स्कूल में वही शिक्षक हम लोग भेज रहे हैं। अभी हम लोगों ने कम स्कूल लिया है, जैसे हमारे ब्लॉक सिवगढ़ है उसमें अभी हमें 7 स्कूल लिया है, गौरा है उसमें भी 7 लिया है। तो जो ब्लॉक अभी छोटे, इसलिए अभी स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन अभी केवल 7 स्कूल लिया गया, इसलिए कि टीचर कम है,
टीचर की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी और वही टीचर हम लोग के ट्रेंड करके उन्हीं को रखा जाएगा जो हमारे अंग्रेजी में अच्छा पढ़ाते हों, अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। इसलिए अब टीचर की कमी हमें मानता हूं, अगली सरकार में बहुत कमी थी, हमारी सरकार भरने चले टीचर को। इसलिए और जब टीचर हमारे हो जाएंगे तो जितने हमारे स्कूल है, हमारे मंत्री जी चाहते हैं जितने स्कूल है सबको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो टीचर की कमी अभी है मैं मानता हूं, लेकिन अभी इसलिए कम स्कूल लिया गया है, इसमें 7 स्कूल अभी एक एक ब्लॉक में लिया जा रहा है, बाद में और बढ़ाया जाएगा इसके लिए। तो इस टीचर्स की जो कमी अभी रह गई है तो इसका मतलब कब तक सामना करना पड़ेगा, कब तक और नियुक्तियां निकाली जाएंगी? और अभी तो नियुक्ति निकली थी, आप जानते हैं अभी तो होने वाला था, कुछ हाई कोर्ट का मामला हुआ है, अब नियुक्तियां धीमे धीमे निकल रही है, अब नियुक्ति निकलेगी। हमारी सरकार अभी हमारे मंत्री जी जवाब देंगी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी वो बताएंगी, लेकिन नियुक्ति निकलेगी, हमारी सरकार जो है भरेगी नियुक्ति, क्योंकि टीचर की कमी है इसलिए उसको नियुक्ति होगी। बहुत जल्दी हम लोग बहुत ही जल्दी जो है जो हाई कोर्ट कुछ मामला उसको दूर करके हम लोग टीचर की भर्ती करेंगे। जी हाँ, लेकिन अगर अभी देखा जाए कि गांव में अभी भी शिक्षा की कमी तो है ही, लेकिन रोजगार की भी बहुत बड़ी कमी है, तो इस रोजगार को या तो इस कमी को दूर करने के लिए लोगों को गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, शहरों में जाना पड़ रहा है वहां पे, जिससे ऐसा क्या ऐसा आप जरूर करें कि गांव में ही रहकर सबको सारी सुविधाएं मिले और रोजगार भी मिले, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बात आपने कहा कि अभी तो बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, अगली सरकारों ने कुछ काम है, अभी हमने बहुत बड़ा सबमिट किया कार्यक्रम, हमारे मुख्यमंत्री ने किया, अब रोजगार के लिए और बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, अब यहाँ रोजगार हम लोग देंगे, अब शुरुआत किया 2021 को हमारा कार्यक्रम था। अब इसके लिए पहले से समस्या जो दूर इतनी जल्दी तो खत्म होगी नहीं। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी राष्ट्रीय सहायता समूह अब चलेंगे, वो राष्ट्र हमारा गौरव लिया भी गया, राष्ट्रीय सहायता समूह से हम महिलाओं को रोजगार देंगे, उनको मोमबत्ती बनाना सिखाएंगे, उनको अगरबत्ती बनाना सिखाएंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनको पढ़ाई भी कराएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसका इम्पोर्ट फिर बाहर होगा। इसलिए अब हमारी सरकार रोजगार के लिए विशेष ध्यान देगी, लेकिन पहले की सरकार इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जो सबमिट हुआ बहुत बड़ा निवेश सब करना चाहते हैं, कई दस्तखत भी हुए हैं, अब आपको आगे चल के ये दिखाई देगा कि रोजगार के लिए जो बाहर हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार जो बॉम्बे जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, यूपी में ही कैसे काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ये चाहते हैं कि हमारा युवा जो है अपने घर में ही काम करे, अपने यूपी में ही रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा सा कार्यक्रम, अब उसके लिए हम लोग ध्यान देने चल रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, आपको दिखाई भी देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिला के विकास के लिए आप लोगों ने ध्यान दिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो वो तो बहुत ही जरूरी है, और आप जहां तक देख रहे हैं निजी अस्पतालों का क्या हाल है, अभी वहां तो अस्पताल बने हैं लेकिन डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है वहां पे, और अगर डॉक्टर हैं भी तो प्रॉपर इलाज नहीं है वहां पे, और प्लस गंदगी भी बहुत है वहां के अस्पतालों में, तो इसके लिए आपकी सरकार कोई खास कदम उठा रही है? स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया, 1 वर्ष का कार्यकाल होने चल रहा है, जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जो दूसरी जगह वो डॉक्टर थे, और कई जगह आयुर्वेदिक अस्पताल और ऐसे अस्पताल आयुष वाले बंद पड़े थे, उन डॉक्टरों को मैंने जो है PSC CSC भेजने का काम किया। अब जैसे हमारे ही क्षेत्र में कई जगह PSC में डॉक्टर नहीं थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब हमारे यहाँ सिपाही महरी कई जगह हम लोग डॉक्टर करा, वो आगे देखने लगे, आप डॉक्टर की कमी है, आप जाते कोई ज्वाइन नहीं भी करना चाहता है डॉक्टर में, उसके लिए हमारी सरकार काम करे। गंदगी की बात हम लोग इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि गंदे हम लोग भी चेक करते हैं, अभी हमने रानीगंज में सस्पेंड भी कराया था, CSC में गए थे, अपने प्रतापगढ़ में हम लोगों ने इसके लिए बहुत बात CMS को हटाया, इसी मामले में हमारे प्रेम मोहन गुप्ता हटाए गए इसी मामले में। इसलिए स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार विशेष ध्यान, हमारे जैसे रानीगंज में पहले नहीं था, ऑपरेशन नहीं होते थे, पहले हम छोटे छोटे ऑपरेशन भी प्रतापगढ़ शहर आना पड़ता, अब हमारे रानीगंज में दो सर्जन नियुक्त हो गए, एक गायनी नियुक्त हो गई और एक बीहोशी डॉक्टर आ गए। तो अब स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार ध्यान देने लगी, अब तो कुछ डॉक्टर आने, जैसे रेडियोलॉजिस्ट कमी है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं एक रेडियोलॉजिस्ट पूरे जिले को नहीं संभाल, तो आप देखते हैं प्रताप जैसे शहर है उसमें एक है, तो रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती हो, इसके लिए हमारी सरकार अभी मंत्री जी कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री की रेडियोलॉजिस्ट हम भर्ती करेंगे। इसलिए बहुत सभी कमियां हैं जो पिछली सरकारों ने हमको बहुत
गड़बड़ व्यवस्था दी थी, अब उसको दूर करने के लिए अभी स्वास्थ्य के लिए हम लोग को बहुत काम करना है। जैसे हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल हमको दिया गया, वो बनने वाला है, 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, ट्रामा सेंटर बन रहे, मेडिकल कॉलेज की बात हुई, प्रस्ताव माना मुख्यमंत्री, प्रतापगढ़ में एक होने वाला है मेडिकल कॉलेज, इसलिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन भर्तियाँ भी हों, अच्छे डॉक्टर भी आए, इसके लिए हमारी सरकार ने कहा है, चिकित्सा मंत्री हमारे टंडन जी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन और जगह से जो डॉक्टर आ पा रहे हैं, मैं उसी से अपना काम चला रहे हैं, अभी इतना नहीं कहेंगे कि स्वास्थ्य पूरा सुधर, लेकिन स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं अभी भी अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आ जा रही है जिससे आपको गांव में इलाज ना होके शहरों में जाना पड़ रहा है, और वो शहर गांव से काफी दूरी पे है, जिससे जरूरी नहीं कि आप वहां पे पहुंच ही पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीच में ये सड़क आ रहे हैं काफी गड्ढे, इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है, तो आप सड़कों और ये सब योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया कि अभी समय लग रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार बहुत काम करे, मैंने बताया आयुष डॉक्टर डॉक्टर कई लोग आए डॉक्टर। अब सड़कों के लिए जो आपने बात किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है केशव मौर्या जी, बहुत सड़क गड्ढा, मैंने मेरा ये संकल्प पत्र में था मेरे कि हम जब आएंगे तो गड्ढा भरेंगे, अब मैं गड्ढा भरने का काम कर रही मेरी सरकार। हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत सड़क बनी, पहले सड़क तो सब उखड़ जाए बनती, अब तो गुणवत्ता एकदम सड़क बन रही है, अब तो आपकी सड़क जो बन रही है वो आपको दिखाई दे रही है। मेरे यहाँ सीआरएफ की सड़क बन रही तीन जो गुणवत्ता में सड़क बन रही दिखाई, आज जनता देख रही है कि सड़क ऐसी बननी चाहिए, कई सड़क मैं और ले गया नहीं वो भी बन रही, पुलों का जाल सेतु जो हम गाँव को जोड़ने का काम करेंगे, और जल्दी से पहुंचे, जो आपने कहा कि गड्ढे हम मरीज पहुंच नहीं पाता है, इसलिए जैसे हमारे यहाँ ही पावर हाउस देलूपुर अब वो काम लग गया, वहां पर काम लग गया है, गांव को जोड़ने का हम लोग काम करें, जहां थोड़ी बहुत व्यवस्था आ गई थी, जहां जमीनी विवाद है उसको भी हम लोग दूर कर रहे हैं, क्योंकि गांव को जब हम जोड़ देंगे पगडंडी से, तो जब सड़क अच्छी बन जाएगी और प्रधानमंत्री सड़क भी हो जाएगी, और जो गांव के प्रधान जो सड़क बना उसके लिए जब जोड़ा जाएगा, जब तीनों सड़क जिला पंचायत की सड़क बनेगी, हम अपने इंटरलॉकिंग अपने दीदी से बनवाई रहे, जब ये सब जोड़ लिया जाएगा, जब सड़क अच्छी हो जाएगी तो उनको पहुंचने में अच्छी सुविधा होगी, उनकी गाड़ी तेल सब समय बचेगा, इसलिए हमारी सरकार चाहे हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्या जी हैं, सड़क के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पुल के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया सब ले लिया, और चाहे हमारे केंद्र के मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, वो भी बहुत बढ़िया, सड़क के लिए तो जो भी प्रस्ताव यहां से जा रहा है तुरंत हमारी केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, तो सड़क के आप दिखाई देगा, एक वर्ष में सड़क अब दिखाई देने लगी, आप चिंता मत करिए आपको दिखाई देगा, एक दो साल और देखिए समय, आपको एक गड्ढा मतलब रहेगा ही नहीं सड़क में, सब गड्ढा मुक्ति हो जाएंगी सड़क आपको, क्योंकि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम सड़क जो है पूरा सब बनवाएंगे, कोई ऐसी सड़क नहीं रहेगी जो नहीं बन जाएगी, इसलिए हमारे क्षेत्र बन रहा है और भी जगह बन रही है, अब लोग सब भी कह रहे हैं कि अब सड़क अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बता दी आपने हमें। अगर हम लोग खेती को लेकर बात करें तो आपका किसानों के बारे में अभी क्या कहना है? किसान के लिए मैंने ऋण मोचन किया, इतनी बड़ी किसान हमारा, मैंने संकल्प पत्र में कहा था 1,00,000 ऋण माफ करेंगे, हमारी सरकार जैसे पहली कैबिनेट में ऋण मोचन किया हमने, और किसान खुशहाल रहे कैसे, आज उसको बीज मिल रहा है, उसको आज खाद मिले, उसका किसान बीमा हो रही है, किसान आज अपनी वो पा रहा है, अपनी जो वो लगाता था वो मिल रहा है उसको, पहले किसान को लाठी मिलती थी जब बीज लेने जाता था, किसान पहले खाद है उसकी लाठी, आप बता दिए मेरी सरकार बनी एक वर्ष को ज्यादा कितनी लाठी पड़ी थी, कितने किसानों को ऊपर मौका, आप एक इस कार्यकाल बताइए कहीं खाद के लिए लाठी चली हो, कहीं बीज के लिए लाठी पड़ी हो, इसलिए किसान हमारा अच्छा रहे खुशहाल रहे उसकी लागत बढ़िया मिले इसके लिए भी मैंने काम किया, और आज जो है किसान जो है खुशहाल दिख रहा है और हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग खाद की बात करें, जो किसानों को खाद मिल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पे शायद 32 से 35 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा है किसानों को, ऐसा कुछ है क्या? इसको मालूम नहीं, ऐसी बात हमको नहीं पता चली है, अब इसकी जानकारी हम लेंगे, ऐसा तभी हमको किसी ने बताया नहीं, आप आपके माध्यम से आज हमको सूचना मिली, मैं इसके लिए पता करूंगा क्या मामला है खाद के लिए, लेकिन खाद आज किसान को मिल रही है, आज किसान खाद जब जा रहा है कहकर तो उसको मिल जा रहा है, और दूसरी बात इसको बता ही नहीं पाया आपको, अब की गेहूँ की खरीद हमारी सरकार बहुत अच्छी हुई, हमारी सरकार में आलू की खरीद हुई, हमारी सरकार में जो धान की खरीद हुई ये पहली बार उपलब्धि है, और जब गया उसके खाते में पैसा भी आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसान जो है लाठी खाता था, उसके गेंद पे जाता था, उसका कोई न गेहूं लेता था न उसका कोई धान लेता था, आज सब लिया गया उसका,
तो किसान तो कह रहा है सरकार, और उसको नगद पैसा आ जा रहा है सब उसमें खाते में, ये पहली बार हुआ, ये कभी नहीं होता था। जी हाँ, किसान के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसान है तो हम हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जो वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है, विकलांग लोगों को जो पेंशन मिल रहे हैं, तो वो शायद पहले 200 रुपए थे, अब बढ़कर शायद 500 रुपए तक हो गए हैं। तो आपका क्या कहना है कि अभी आज के डेट में 500 रुपए क्या बहुत अधिक है, क्या उनका जीवन चल रहा होगा 500 रुपए में? पहले तो जो दूसरी सरकार थी तो 150 रुपया देती थी, 100 रुपया देती थी, 200 तक गई, लेकिन हमारी सरकार आई तो उसको 500 किया, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन आपने बात किया, और चाहे आपका विधवा पेंशन हो, हम लोग दिन रहे। और आप जानते हो पहले तो इतना बंदरबाड़ था उसमें, इसमें जितने भी इतना बड़ा था, आपकी पेंशन काट के दूसरे को दे दी जाती थी। अब तो हम लोगों ने ऑनलाइन उसको कराया, उसको फीडिंग कराया, और अब तो पात्र व्यक्ति पहले ये था कि जैसे आपका नाम सीमा है, हमारा नाम ये है, तो सीमा के नाम से 3 पेंशन लग गई, और उसमें पता चला सीमा यहाँ की है नहीं, वो तो इस गांव की नहीं, दूसरे गांव उनको पैसा जा रहा है। लेकिन अब इसको हम लोगों ने फीड कराया, इसको हम लोगों ने खत्म कराया, आज जो है वो खाते में पैसा उसको जाने लगा, सब फीडिंग हम लोगों ने करा दिया। और जो पात्र अभी हम लोगों ने कैंप लगाया था, जो और पात्र भक्त निकले उसको भी हम लोगों ने भरा के फार्म, उसको भी हमने भारत सरकार को भिजवाया अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, तो अब तो पेंशन उसको, हाँ ये आपने कही कहा कि 500 रुपया कम है, लेकिन हमारी सरकार ने बढ़ाया। अब इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय लेंगे कि और क्या होना चाहिए, इसके लिए बजट क्या प्रभाव, उसके लिए बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि पूरे भारत का निर्णय रहेगा। इसलिए अभी तो 500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार अब मिल रहा है उनको, पहले पेंशन मिलते, और कब कट जाए पेंशन और कब बैठ जाए, कहा तुम्हारी पेंशन कट गई, नहीं आएगा खाते में, लेकिन अब उनके पेंशन हर महीने उनके खाते में आ जाता है। जी बहुत बहुत अच्छी बात बता दी आपने। और अगर हम बात करें आपकी रानीगंज में, तो वहां की अगर हम अभी बात करते हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नया किया हो जिससे लोगों को काफी खुशी महसूस हुई हो, और जरूरी है कि अगर लोग खुश हुए तो आप भी ऐसे ही खुश होंगे, तो ऐसे आप अपने कार्यकाल के बारे में कुछ हमें बताइए। मैंने बहुत बड़ा काम किया इंजीनियरिंग कॉलेज रानीगंज में, बड़ी मांग थी, पूरे प्रतापगढ़ में नहीं था इंजीनियरिंग, बड़े बड़े नेता हुए लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा होती था नहीं। मैं सबसे पहले उसमें बजट कराया, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बनने वाला है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है ट्रामा सेंटर मैंने करवाया, ट्रामा सेंटर रानीगंज बड़ी मांग थी, आज ट्रामा सेंटर हो गया। 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने कराया, वो भी काम लगने वाला। सीआरएफ की मैंने 2-2 सड़क पास कराया केंद्रीय निधि, एक मैंने कोणौर से हमारे दुर्गागंज मार्ग से होते हुए देलीपुर मार्ग, वो सड़क बन रही काम। एक मैंने अभी जौनपुर जोड़ने का पास उसका टेंडर निकल गया आपके जेल रोड से जगनीपुर, ये बहुत बड़ी। अभी तो कुछ दिन पहले एक चीज और बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया, हमारी सोनसा नगर पंचायत उसका भी मैंने परिसीमन करा रहा हूं, वो नगर पंचायत अब बनने चली। देलूपुर हमारा नया ब्लॉक, ब्लॉक की बहुत मांग होती, कोई कराया नहीं, क्योंकि बड़ा ब्लॉक है मानधाता बड़ा ब्लॉक, गौरा बड़ा ब्लॉक उससे अछूता था, तो उसको भी मैंने कराया, उसके भी परिसीमन हो रहे। और अभी तो युवाओं के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया, वहां पर स्टेडियम नहीं था, अभी हमारा पास हो खेलो इंडिया में, कतरौली हमारा गांव है हमारे गौरा में, वहां बनेगा, उस भी पास हो गया, उसका भी स्टीमेट गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है, हमारी भी है कि मैंने ये काम कराया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था के लिए मैंने सोमनसा में एक चौकी स्थापित करा दिया, बहुत दिन से मांग थी, सोमनसा में चौकी खुल गई। 2 थाना मैंने पास कराया, देलूपुर का थाना और दिलीपुर का थाना। देलूपुर का थाना भी प्रस्ताव नहीं आया, वो मुख्यालय अभी इलाहाबाद, वो भी आने वाला है, दिलीपुर का पास हो गया, दिलीपुर में थाना बना, क्योंकि कन्हई थाना बहुत दूर पड़ता था। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। तीसरी बात, केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ नहीं था, भारत सरकार उसको मैं हम लोगों ने पैरवी के लिए जमीन अधिकरण कराया, उसकी पूरा हम लोगों ने वो जमीन अधिकरण कराकर उसमें जो है पूरा थोड़ा नीचे जमीन थी उसको समतल भी कराया गया। अब केंद्रीय विद्यालय के हम लोगों ने फाइल वो भी अब लगभग अभी हुआ नहीं, लेकिन केंद्र में गया है, यहां से प्रस्ताव वो भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग जब से मैं विधायक बना हूं। रोड के बारे में बताना चाहता हूं, जब से मैं बना हूं गड्ढा मुक्ति मैंने कम से कम 47-48 गड्ढा मुक्ति कराया, पैचिंग करवाया, रोड बहुत गड़बड़ थी, 5-6 नई सड़क बनवाया अपने निधि से मैंने, जो हमको विधायक निधि मिलती है, 17 रोड इंटरलॉकिंग अपने निधि से बनवाया, 3 गेट बनवाया, 3 शौचालय बनवाया अपने निधि से, और 1 वाचनालय रानीगंज बन रहा है, ये अपनी निधि से मैंने बनवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, रानीगंज जनता एक तो सफल हो, सबसे मिल भी रहा हूं। तीसरी बात,
अपने जो ये एक बिजली पे मैं आ रहा हूँ। बिजली जो है हमारे यहाँ जो है वोल्टेज लो की समस्या थी, ट्रांसफार्मर बहुत जलते थे, लेकिन हम जब से विधायक हुए लोडिंग की समस्या को दूर किया। 132 अपने यहाँ ले गए, उसका ट्रांसमीटर खतनपुर बन रहा है, काम करवा गया। एक पावर हाउस पूरे हिरावन बनवा रहे हैं, एक मोहर आधारगंज बनवा रहे हैं, एक हम भगवतगंज बनवा रहे हैं। जब तीन पावर हाउस हो जाएंगे तो हमारी लोडिंग की समस्या, वोल्टेज समस्या सही हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ दो फीडर थे, एक हमारा ग्रामीण फीडर था, एक हमारा तहसील फीडर था, तो मैं उसमें सब फीडर अलग करा रहा हूँ। हमारे यहाँ 6 पावर हाउस है, 6 को अलग करा रहा हूँ। इतनी बड़ी और बिजली की समस्या मैंने दूर की हमारी सरकार, मैं जब से अभी मैंने डिवीजन का उद्घाटन किया। हमारा प्रतापगढ़ में लोग, हमारी जनता जाती थी शहर में, और वो एक सीएन साहब कई पट्टी का चार्ज उनके पास, रानीगंज का था, सदर का था, विश्वाद, तो मैंने अलग से अपना डिवीजन बनवाया रानी। अभी मैंने उद्घाटन एक हफ्ता पहले किया, आपको दे देंगे। एक सीएन वहां बैठने लगा, ऑफिस खुलवा दिया, एसडीओ बाबू सब अपॉइंटमेंट हो गए। अब वहां रानीगंज की जनता को वहीं बिजली बिल सही हो जाएगा, वहीं उनका अब एस्टीमेट बन जा रहा है उनका काम। ये बहुत बड़ी रानीगंज के लिए उपलब्धि है। अभी तो मैं सॉलिड बेड मैनेजमेंट, जो बिजली कचरा से पैदा होगी उसके लिए हम लोग जमीन अधिकरण करा रहे हैं। जो सियासत में गड़बड़ा गई तो हम लोग अब सराय भरत राय में जमीन, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर ये हो जाएगा तो 65 MV बिजली पैदा होगी और हमारी नगर पंचायत का जो कचरा आएगा नगर पर वहां पर जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से मैं विधायक बना हूँ ये भी मैंने कराया, क्योंकि मैं जमीन स्तर पर काम किया हूँ, मैं सब जानता हूँ जनता की क्या समस्या है। और दो समस्या शिक्षा के लिए मैंने जी कहा, एक खरवाई में बहुत दिन से मांग थी लड़कियों के विद्यालय की, महाविद्यालय की, इंटर कॉलेज था लेकिन महाविद्यालय नहीं था, उसको मैंने प्रस्ताव दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ घोषणा करेंगे, जमीन अधिकरण हो गई है, लेकिन वो बातचीत हो गई, महाविद्यालय भी बहुत जल्दी वहाँ लड़कियों के खरवई मांग है देलुपुर क्षेत्र में, उसको भी मैं खुलवा रहा हूँ। और हमारे गोसाईपुर महाविद्यालय था, मैं वहाँ पर BSc और BCom की कक्षा कैसे चले, ये दोनों मेरा सुपरित प्रस्ताव आ गया। सुपरित डॉक्टर दिनेश शर्मा जिसके मंत्री है, उन्होंने कहा इसको भी लगभग फाइल अनुभाग में है, बस जैसे ही विधानसभा सत्र उसमें BCom और BSc की कक्षाएं भी वहाँ चल, अभी BA की चल रही वो भी मैंने करवा लिया है, वो भी बहुत जल्दी चले। ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसके लिए भी मैंने काम किया। इसलिए विकास की बात जो, और सेतु की बात बता रहे हैं, मैंने एक सिपाही महेरी के पास सेतु जो राजगढ़ को जोड़ेगा, जो इलाहाबाद राजमार्ग पे मिलेगा, एक सेतु मैंने उस पर, उसको तो पास हो गया नाबार्ड से, दो सेतु और मेरी सरकार ने लिया, तीन छोटे पुल PW ने लिया, उसमें एक सेतु बकुलाही जो 27 गांव को जोड़ेगा, एक बारघाट जो शहर से जोड़ेगा, एक ओवरब्रिज की मांग की गई है जो जेल रोड पर बनेगा, अगर डिप्टी CM ने उसको अगड़न बनवा रहे हैं हमारे केशव मौर्य जी, उन्होंने कहा मैं इसको दूंगा उसको अगड़न, ये सब हो जाएगा तो जो विकास की बात, तो पहले की सरकार कहती विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब उनको दिखाई दे रहा है विकास। पहले उनको दिखा, अब तो सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, छोटे भी पुल मैं बनवा रहा हूँ अपने निधि से भी पैसा। पहले निधि लोग अपने विद्यालय में देते थे, हमारे जो पूर्व मंत्री जिसको मैं हरा, वो तो अपने सब विद्यालय, उनके कई विद्यालय हैं, मैं उनको ITI निकलवाया हूँ, मेरे पास है मैं दिखा दूँ। और मेरी आप निधि एक साल की निकलवाइए, मैं तो सब सड़क पे दिया, शौचालय पे दिया, उस पे दिया, उसके पहले विधायक इसी दे दे, स्कूल में इसलिए दे दे, उसमें भ्रष्टाचार था। इसलिए विकास अब अपने अपनी सरकार में, जब से मैं आया हूँ विधायक बना हूँ, मैंने इतना चीज बताया वो आप पता कर जिए, आपको दिखाई दे रहा है धरातल में। और उसका भी टेंडर अब हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज का CNDS पाया, वो भी अब बनने वाला, सियासत में बनेगा, ये बहुत बड़ा। और दिव्यांग, इसका हमने बताया ना, दिव्यांग के लिए बहुत बड़ा कार्यालय वहां बन रहा है, उनको वहीं पर सब भारत पोषण किया जाएगा, वो भी सियासत में हम जमीन दिए हैं, उसका भी काम लगवा दिया हमने, टेंडर हो गया। तो ये सब चीज काम हो रहे हैं। और ये दो सड़क हमने दीनदयाल से चौड़ीकरण लिया है, और हमारे सांसद ने भी दिया है CRF की सड़क, दो और दिया है, ये भी अगड़न बन रहा है, अप्रैल के बाद काम स्टार्ट होगा। लेकिन तीन सड़कों का काम CRF की हमारी स्टार्ट हो गया है, वो काम लग गया है, टेंडर भी हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह दूंगा, पहले ये सब काम होते ही नहीं थे, केवल कागज जब मुझको जो मिला था, तो मैं वहां सड़क जब मैं निकलता था प्रचार में भी, जितनी सड़क थी सब, अब आप इस समय हमारे हमारे क्षेत्र में जाइए, आपको दिखाई देगा, आपको सड़क अब बन रही है, आपको दिखाई देगा पुल बन रहे हैं, आपको जो हमने बताया इसी चीज, जितनी समस्या हमने बताया, स्वास्थ्य के लिए बताया हमने, और CSC के लिए बताया इंजीनियरिंग का, वो आपको दिखाई देगा। पहले सब दिखाई नहीं देता, ये सब काम मैंने करवाया अपने जू में, हमारी सरकार ने किया, हमारी योगी सरकार ने, जो हम लोग प्रस्ताव देते हैं वो लोग करते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कार्यकाल में इतना कुछ किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो देखा आपने हमारे साथ श्री अभय कुमार जी ने कितने अच्छे से सारे कमियों को बताते हुए अपनी सारी बातें रखी, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने चैनल के साइड से और सभी के साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभय कुमार जी का। बस आज के लिए इतना ही। रश्मि को दीजिए इजाजत। एबीपीएस न्यूज़ लखनऊ।